सेव मेरिट सेव नेशन मांग के लिए चल रहे आंदोलन के बाद सेव मेरिट सेव नेशन महाराष्ट्र की ओर से रन फॉर मेरिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगामी 9 फरवरी को महाराष्ट्र के 20 से अधिक स्थानों पर एक समय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र राज्य की ओर से 9 तारीख को 9 फरवरी को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच रन फॉर मेरिट का आयोजन महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कम से कम 18 जगह पर होने जा रहा है। नागपुर का जो आयोजन है सेंट उर्सुला ग्राउंड सिविल लाइन्स से शुरू होकर 3.6 किलोमीटर का ट्रैक करके वापस वहीं पे समापन होगा। हजारों विद्यार्थी यूथ युवा युवतियां इस रन फॉर मेरिट कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही है और वो मेरिट की उपेक्षा ना हो, गुणवत्ता के आधार पर देश आगे समाज आगे बढ़े, हर क्षेत्र की प्रगति गुणवत्ता के स्वरूप में हो, इस भावना को लेके इस विषय को लेके प्रबोधन के लिए सब लोग रन फॉर मेरिट में शरीक होने जा रहे हैं। नागपुर की मेरी जो अपेक्षा है कम से कम 4,000 विद्यार्थी और युवा इसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ समाज के दूसरे घटक भी इसमें सम्मिलित होंगे। 7 बजे से 9 बजे के बीच ये अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। 18 जगह पर यदि महाराष्ट्र में किसी सामाजिक अभियान के तहत ऐसा कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। राजनीति के चलते बहुत बार हुए होंगे क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हुकुम देने का काम होता है, जिनकी सरकार होती है उनको सब कुछ साध्य होता है, लेकिन सामाजिक गतिविधि में इतना बड़ा कार्यक्रम एक ही दिन में सामान्य लोगों द्वारा पहली बार होने जा रहा है। जैसे कि बम्बई पूना नासिक औरंगाबाद लातूर वर्धा भंडारा गोंदिया हिंगोली परभणी सोलापुर ये सभी जगह थाने में ये सभी जगह रन फॉर मेरिट अरेंज हो रहा है। इसमें उम्र का क्या मर्यादा है? हमने मिडिल स्कूल के ऊपर के बच्चे 8वीं से ऊपर के बच्चे और कॉलेज और बाकी ऊपर एकदम छोटे बच्चों को हमने सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि इतनी भीड़ में उनकी रक्षा कर पाना ये थोड़ा कठिन काम। कितने लोगों का पंजीकरण हो चुका है? 2000 से ऊपर पंजीकरण नागपुर में हो चुका है, बाकी भी जगह पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और मेरी अपेक्षा है कि कम से कम 4000 पंजीकरण नागपुर में होंगे।